माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश के जो बाहर क्वारंटाइन में 14 दिन के क्वारंटाइन में जो हमारे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो है वापस चरणबद्ध रूप से लाने की व्यवस्था की जाए। हरियाणा राज्य से लगभग 82 बसों में आज प्रथम चरण में 2,224 लोग लाए जा रहे हैं और लगभग सभी बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं और प्रदेश के 16 जनपदों में ये बसें पहुंचकर पुनः इनको क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। इनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो। 2,224 आज आ चुके हैं और लगभग कल मिलाकर जो है 11,000 से अधिक लोग आएंगे, 24 आ चुके हैं हमारे प्रदेश में, 16 जनपदों में पश्चिम के जाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए विशेष जो है बैठक में चर्चा की और उन्होंने यह कहा कि डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा से संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। मेडिकल इंफेक्शन की रोकथाम के लिए एक नया निर्देश उन्होंने दिया है कि डेडिकेटेड टीम केवल मेडिकल इंफेक्शन रोकने के लिए बनाई जाए, यानी पूरी मेडिकल व्यवस्था के साथ साथ इंफेक्शन रोकने के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई जाए, यानी अलग से जो है अधिकारी नियत किए जाए जो केवल इंफेक्शन रोकने के लिए हो और इस टीम में सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल इंफेक्शन को भी फोकस किया जाए और स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग प्राथमिकता पर इन टीमों का गठन कर दे। संभवतः ये टीमें आज ही गठित हो जाएंगी कि मेडिकल इंफेक्शन किसी तरह से ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों की श्रृंखला में चिकित्सालयों पर ऑक्सीजन पर विशेष बल दिया है। उनकी ये मानना है कि यदि लेवल 1 के अस्पताल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए, लेवल 2 के अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हर बेड पर तो हो ही जाए, वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हो जाए, तो प्रथम चरण में ही जो मरीज है उनको अगर सहूलियत और मेडिकल अटेंशन मिल जाएगा तो हमारे यहाँ जो है उनको बचाने में और उनको स्वस्थ करने में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उनका पूरा, मुख्यमंत्री जी का ये पूरा बल है कि जो हमारे हाई लेवल के लेवल 3 के अस्पताल है उससे पहले ही लेवल 1 और लेवल 1 एसोसिएटेड अस्पताल, उनके सभी विद्यार्थियों की ट्रेनिंग और साथ साथ आयुष के चिकित्सकों की भी ट्रेनिंग करा दी जाए, जिससे इसमें जो वृद्धि होगी, बेड्स की संख्या में वृद्धि होगी, हम आगे कभी भी मजबूती से जो है अपने प्रदेश में इलाज की व्यवस्था को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर लेंगे।